हेलो दोस्तों, हम मैसूर पहुँचते पहुँचते रास्ते में श्री रंग स्वामी जी के टेंपल में रुके हैं, जो कि मैसूर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। तो आप इस टेंपल को आप अपने मैप में डाल के इस जगह पर आ सकते हैं। इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्थान पर विष्णु जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो कि विश्राम में, जो शैया में लेटे हुए होते हैं विष्णु भगवान जी, उनकी इस रूप को यहाँ पर दिखाया गया है। ये जगह बेहद ही सुंदर है और बहुत अच्छी है, तो आप इस स्थान पर आ सकते हैं। अगर आप मैसूर का ट्रिप बनाते हैं तो रास्ते में आप श्रीरंगपट्टनम, ये जगह है, और यह मंदिर कावेरी नदी के किनारे तट पर स्थित है, जो कि बेहद ही सुंदर है। भारत के हर एक कोने से, हर एक राज्य से यहाँ पर भगवान विष्णु जी के दर्शन करने को तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ 12 महीने बहुत अधिक भीड़ होती है। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार के सामने। तो यहाँ पर आप चारों ओर देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग लगी हुई है। पार्किंग का चार्ज 50 रुपये है और आप अपनी गाड़ियों को कहीं भी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे, जैसे ही आप उतरेंगे तो यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, जहाँ लोहे का सामान, मिट्टी का सामान और बच्चों के खिलौने इत्यादि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर दुकानें सजी हुई है। लकड़ियों का सामान मिल रहा है। और जब जैसे ही आप ऐसे तीर्थ स्थानों में आते हैं तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए निशानी के रूप में। और यहाँ पर श्री रंग स्वामी जी की जो मूर्ति है वो भी मिलेगी, आप उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मेला सजा हुआ है और हम लोग हैं, और यहाँ पर जो बांस से बने हुए पर्स हैं और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देसी तरीके से बनी हुई हैं, वो भी मिल रही हैं, लकड़ियों से बना हुआ सामान। और यहाँ पर ये तुलसी जी की माला, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी जी अधिक चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर तुलसी बहुत अधिक मात्रा में मिल रही है। और फिर हम यहाँ पर चले आते हैं मेन मंदिर के सामने, और फिर यहाँ पर हमें उतारने होते हैं जूते, तो हम उतारे हैं जूते। उसके बाद में हम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर और हम आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य। हम मंदिर तक आसानी से पहुंच गए हैं और आप देख रहे हैं बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से आप जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ जो बड़े बड़े पत्थर की शिलाओं से बनी हुई मूर्तियाँ दिखाई देगी। अचानक मौसम में परिवर्तन हो गया है और बदली छा गई है, जिससे उमस बहुत अधिक बढ़ गई है और हम लोग लग गए हैं लाइन में, और लाइन काफ़ी बड़ी है और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो अंदर आप जैसे ही अंदर यहाँ जाते हैं तो नॉर्मल एक लाइन अलग हो लगी होती है, जो कि बहुत बड़ी होती है। और एक VIP लाइन के लिए यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन का टिकट कटता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप 50 रुपये पर पर्सन टिकट भी ना कटाइए, क्योंकि आगे जाने के बाद भी आपको उतने ही घंटे, 2 से 3 घंटे आपको लाइन में लगे ही रहना पड़ता है। क्योंकि आप मंदिर आए हैं, आप VIP बन के भगवान के पास जाएंगे तो भी आपको उतना ही नंबर लगाना पड़ेगा, उतना ही देर लाइन पे खड़े होना पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मल दूसरे व्यक्ति जो विदाउट पे भी वहाँ खड़े होते हैं, उनको भी उतने ही देर वहाँ पर खड़े होने पड़ता है। तो मेन जो मंदिर के दर्शन है वो आप नंबर लगा के धीरे धीरे लाइन जाती है, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ मंदिर पर पहुँचेंगे। तो देखेंगे ये मंदिर के बीच में दृश्य और ये बड़े बड़े खंभे जो लगे हुए हैं पत्थरों के बने हुए हैं। और जैसे ही सामने आप चले जाते हैं तो यहाँ एक गरुड़ भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है, और ऐसे ही अंदर छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और उनके छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और मंदिर के मेन मंदिर में भगवान विष्णु जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो कि सोए हुए, मतलब शेष नाग के ऊपर सोए हुए आराम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। इस प्रतिमा को मंदिर के अंदर स्थापित किया गया है, जो कि बहुत बड़ी अधिक मात्रा में बहुत
प्रियति तो भगवान जी आके बैठे ऊपर सर पे कहा जाता है कि जब श्री राम जी युद्ध करने के बाद वापस आए थे और इसी स्थान पे आकर उन्होंने विष्णु अवतार अपना दिखाया था, विभीषण को दर्शन दिए थे पहली बार इसी स्थान पर, तो तब से यहाँ पर भगवान जी की प्रतिमा है। यह है बालाजी सरकार और ये बहुत बड़ा मंदिर है और काफ़ी सुंदर मंदिर है, तो आप इस स्थान पर आके दर्शन कर सकते हैं। मतलब हर एक स्थान की एक अलग कथा कहती है। देखो इधर हाँ।